देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया। सितारगंज के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित कुमार आर्य ने आज उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर हो रही सियासत पर अपने बयान में ललित आर्य ने मीडिया से कहा, केंद्र और राज्य सरकार साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। मुद्दों को उठाने वाले लोगों पर दनादन मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और वहीं सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों को सरकारी तंत्र का उपयोग कर बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, चाहे वो आज का हो या कल का हो, कहीं का हो। इससे पहले कई घोटालों की जांच लटकी हुई है। घोटाला जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, वह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और भाजपा सरकार ने एक नई शुरुआत कर दी है। दूसरों पर तो मुकदमे दर्ज करो और अपने लोगों को बचाओ। इसका जीता जागता उदाहरण विधायक जो यौन शोषण में फंसे थे, उनको बचाने का है। उनको बचाने के लिए पूरा तंत्र एक हो गया। प्रदर्शन करना तो लोगों का अधिकार है, क्योंकि जब कोई सरकार दिशा भटक जाए या मुद्दों से हट जाए तो प्रदर्शन ही एकमात्र लोगों का जागरूक करने का, सरकार पर दबाव बनाने का हक होता है। दुखद पहलू यह है कि सरकार अपनी मनमानी से आंदोलनों को दबा रही है। मैं कांग्रेस में जो है अंतर्कलह की बात सारे लोग कहते हैं और पार्टियां भी कहती है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो भी है, बड़े नेताओं को अगर भाई कहीं पे गुटबाजी या धड़ेबंदी, सारी गुटबाजी जो हुई थी वो गुटबाजी करने वाले लोग जो थे वो भाजपा में जा चुके हैं, जिन्होंने सरकार को अस्थिर किया था उत्तराखंड में। और माननीय मुख्यमंत्री उसमें हरीश रावत थे, जो सही जिनने उत्तराखंडियत की जिनने बात कही हमेशा, और जमीन से जुड़े नेता थे और यहाँ विकास भी बहुत तेज़ी से हो रहा था। लेकिन सरकार गिराने के उद्देश्य से इन लोगों ने जो है गुटबाज जो है ये सब वहाँ गुटके खाने उस तरफ चले गए हैं भाजपा में। अब गुटबाजी की तो ऐसी संभावना है नहीं, अगर कहीं पे है तो जो हमारे नए प्रभारी हैं उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, संगठन में जो है कार्य करने वाले और बढ़िया सोच वाले और संगठन को मजबूत करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की आवश्यकता संगठन में हमेशा रही है और रहेगी। और इन लोगों ने इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए तो आने वाला चुनाव है। ठीक है, भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल है देश में पूरे, लेकिन ये नहीं है कि लड़ाई कोई भी कमज़ोर नहीं होती और लड़ाई को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए। मैं इस संबंध में सभी बड़े नेताओं से अपील भी करता हूँ और कहूँगा भी कि भाई जितने अपने आनुवांशिक संगठन हैं इन संगठनों को सक्रिय करने की आवश्यकता है, जिसमें SC विभाग है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, किसान कांग्रेस है, सेवा दल है। और हालांकि कर रही यूथ कांग्रेस भी काम कर रही है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा अभी कमजोर स्थिति में सभी है। लेकिन इन लोगों को जो है बड़े बड़े जिले से, ब्लॉक से, जिले से और प्रदेश स्तर पर सम्मेलन कराने होंगे, जिससे प्रभाव जो है जनता के बीच दिखाया जाए। जनता को सारे वो चुके मिल चुके हैं। हम तो देखिए, मैंने ना कोई अभी तक का संगठन में पद किया है, देखिए संगठन में पद लेने की लड़ाई में मैं ना कभी रहा हूँ ना रहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कार्य मैंने हमेशा एक ईमानदारी के साथ हम करते हैं। और मैंने इतनी प्रेस लगातार हर मुद्दे को, मैंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा मेरी नज़रों से या मीडिया के माध्यम से जो जनता के बीच मैंने नहीं पहुँचाया हो, और अभी भी मैं उस पर हूँ। मुझे कोई पद मिलता नहीं मिलता मेरे लिए कोई ये वो नहीं देता, लेकिन मैं एक सोचनीय विषय पर हर बिंदु पे बात करने के लिए जो है, छोटा बिंदु हो या बड़ा बिंदु हो, मुद्दा छोटा हो या बड़ा हो, इसको नहीं देखा जाता है। राजनीति में जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर मुद्दे को मैं बात करनी होती है और हर मुद्दे को जनता के बीच में रखना पड़ता है। जनता उस मुद्दे का आकलन करती है, उस आकलन को बताने के लिए भी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हर मुद्दे को उठे। अब हमारी गिनती तो वरिष्ठ नेताओं में आती है, लेकिन हमको पद का कोई लोभ लालच नहीं है और हम पार्टी के लिए काम करते हैं। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया।